उम्मीद कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिजाइन रजिस्ट्रेशन। इसके तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि डिजाइन रजिस्ट्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है। किसी भी डिजाइन को रजिस्टर करवाना इज डिजाइन रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, ये बेसिकली एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन होता है। डिजाइन को प्रोटेक्ट करने की और चोरी होने से बचाने को सेफ करके लीगल तरीके से डिजाइन रजिस्ट्रेशन कहते हैं। दोस्तों, डिजाइन रजिस्ट्रेशन सिर्फ डिजाइन प्रोटेक्शन तक ही सीमित नहीं है, ये इकोनॉमिक लॉस से भी आपको बचाने में कारगर साबित होता है। 2010 से पहले लोग इसके बारे में काफी कम जानते थे, लेकिन 2010 के बाद से डिजाइन रजिस्टर कराने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। डिजाइन रजिस्ट्रेशन डिजाइन के एक्चुअल ओनर को ये अधिकार देता है कि वो इस डिजाइन को अगले 10 साल तक यूज कर सके। बाद में इस पीरियड को और 5 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अगर बात करें कि डिजाइन रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहिए, वो तो हमारा ही डिजाइन है, इसके क्या फायदे हैं? डिजाइन किसी भी प्रोडक्ट की USP होता है। सेल्स को बढ़ाने में डिजाइन का रोल बेहद अहम है, और इसके लिए डिजाइन रजिस्ट्रेशन करा के आप अपने ब्रांड की रेपुटेशन को बिल्ड कर सकते हैं। डिजाइन रजिस्ट्रेशन एक तरह का लीगल शील्ड है जो आपके डिजाइन को कॉपी होने या डुप्लीकेट यूज होने से बचाता है। ये इंडस्ट्री में हेल्दी कंपटीशन और एथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा देता है। इन सर्टेन केसेस जिनमें डिजाइन रजिस्टर हो सकता है, दोस्तों डिजाइन को रजिस्टर कराने के लिए कुछ सर्टेन केसेस को पास करना आवश्यक है। पहले केस में आपका डिजाइन यूनिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरे केस में यह है कि आपका डिजाइन किसी भी कंट्री में यूज या पब्लिश नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारे आर्टिकल में जो शेप है या कलर कॉम्बिनेशन है, उससे हमारा डिजाइन मैच होना चाहिए। एंड नाउ लेट्स मूव एंड डिस्कस, बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है। भारत में एक डिजाइन को रजिस्टर कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आइए नजर डालते हैं इन पर। आपको चाहिए होगा एफिडेविट, डेक्लेरेशंस, इसी के साथ ही आपको चाहिए होगी ओरिजिनल की सर्टिफाइड कॉपी या एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द डिस्क्लेमर्स की सर्टिफाइड कॉपी। फीस जमा करते टाइम आपको दूसरे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने होंगे। नाउ डिजाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अगर आप उनमें से हैं जो खुद बैठ के डिजाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका क्या प्रोसेस है। पहला स्टेप 1 में चेक करें कि कहीं आपने पास्ट में डिजाइन रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया है। स्टेप 2 में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा और कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा, जैसे आपका नाम, पता इत्यादि। स्टेप 3 में आपका एप्लीकेशन को पेटेंट ऑफिस में इंस्पेक्ट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। पेटेंट ऑफिस में ही एप्लीकेशन को अप्रूवल मिलता है। एक बार आपका डिजाइन रजिस्टर हो जाएगा, उसकी एंट्री रजिस्ट्रार में होगी। डिजाइन रजिस्ट्रेशन का ड्यूरेशन 10 साल होता है, और इसके बाद जैसे हमने बात करी कि उसको हम बढ़ा के 5 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टेप 6 में डिजाइन इंफ्रिंजमेंट के केस में आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। लॉ तोड़ने वाले को अपने द्वारा किए गए डैमेज के लिए 25,000 रुपये पे करना पड़ेगा। एंड राइट हियर हमारी टीम में वेल एक्सपीरियंस लोग हैं जो डिजाइन रजिस्ट्रेशन में आपकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर है, एंड दैट टू affordable design registration. So right here, अगर आपको और कोई जानकारी किसी भी टॉपिक के बारे में चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। और उसी के साथ साथ आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी विल गेट इन टच विद यू। तब तक मजे करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।